हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप। टुडेज इन माय वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और इसका डिस्कवरी किसने किया, इसका क्या रोल्स है। सो वी स्टार्ट द टॉपिक्स एंटीबायोटिक्स। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट्स the growth of other microorganisms whenever they grow। तो स्टूडेंट्स, इसमें यह दिखाया गया है कि सर्टेन microorganisms inhibits, कुछ microorganisms रोकते हैं the growth of other microorganisms, दूसरे microorganism के ग्रोथ को, whenever they grow, जब वो अपना जो ग्रो करेंगे, जब वो ग्रो करना चाहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंस है, प्रोड्यूस बाई सर्टेन माइक्रोब्स, जो कुछ माइक्रोब से ग्रो होते हैं, दैट किल आर रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, जो किल करते हैं या ग्रोथ को रोकते हैं दूसरे माइक्रोब्स को, दैट इज डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, जो डिजीज फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी टेस्टेंस। आप यहाँ देख रहे हैं कि पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है, डिस्कवर किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इट बाय चांस व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द बैक्टीरियम। तो स्टूडेंट्स, ये जो इनका डिस्कवरी था पेनिसिलिन का, तो इसमें एक्चुअली में यह फ्लेमिंग डिस्कवर किए इसको बाई द चांस, चांस था एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं। वेन ही वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरियम, जब वो बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे तब उनको एक कंडीशन दिखाई दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेफाइलोकोकस ही डिस्कवर्ड दैट ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस काजिंग इन द कल्चर प्लेट्स वेयर पेंसिलियम नोटेटम वाज ग्रोन। तो उन्होंने कल्चर प्लेट पे पेंसिलियम नोटेटम को ग्रो करता हुआ देखा। ओके, लेटर ऑन इसके बाद इट्स यूज एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाई चेन एंड फ्लोरी। इसके बाद जो है, जो एंटीबायोटिक्स का यूज है, ये बहुत इफेक्टिव हो गया और डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स नल में आए। सो इस तरह से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुआ। और एंटीबायोटिक्स एक्चुअली में, जैसे अपनी आपने देखा कि फ्लेमिंग के लिए एक चांस था स्टूडेंट्स, इस ऐसे कि फ्लेमिंग्स एक कल्चर मीडियम, जैसे कल्चर मीडियम का प्लेट्स है, इस प्लेट्स पे बैक्टीरियम, ओके, इस प्लेट्स पे एक बैक्टीरियम के कल्चर मीडियम बना के बैक्टीरिया के ग्रोथ को देख रहे थे। ओके, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को देख रहे थे, इनको क्या लगा कि इसमें सबसे पहले इस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रोथ पहले बहुत फास्टली हुआ, इसके बाद बैक्टीरिया ग्रोथ स्टॉप होने लगा। तो इन्होंने क्या देखा कि जो कल्चर प्लेट का साइड है, यहाँ बहुत से फंगस ऐसे ग्रो किए हुए हैं और ये जो फंगस है, इस फंगस का स्टेट निकल बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में मिक्स किया तो बैक्टीरिया डेड हो गया। तो इस कंडीशन से इस ये देखा गया कि यह फंगस जो कि पेंसिलियम नोटेटम है, और इसी की स्टेक्स जो ऑप्टेन किया गया, जो कि बैक्टीरिया में ड्राफ्ट करने पर बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप, बैक्टीरिया किल हो जाता है, इस ये फंगस
पेंसिलियम नोटेटम है, तो पेंसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन होने वाले स्ट्रेट को पेनिसिलिन पेनिसिलिन नेम दिया गया। तीसरा से फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। तो स्टूडेंट्स ये एंटीबायोटिक्स अब आज देख रहे हैं कि अभी एंटीबायोटिक्स बहुत से एंटीबायोटिक्स आ गए हैं जो कि बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन किए जा रहे हैं, जिनका रोल एंटीबायोटिक्स को की ग्रोथ को स्टॉप करना होता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में एंटीबायोटिक्स का जो टॉपिक हमने दिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको आप केयरफुली सीन करेंगे। और एंटीबायोटिक में जो पॉइंट बताया गया कि चांस था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए जो बैक्टीरिया ग्रोथ करा रहे थे लेकिन इन्हें चांस के थ्रू ऐसा कंडीशन ऑब्टेन हुआ और फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की डिस्कवरी की गई। तो पेनिसिलिन का डिस्कवरी पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से किया गया, तो इस तरह से फर्स्ट एंटीबायोटिक्स नॉलेज में आया। सो थैंक्स।